देखिए बच्चों, हम इनपुट डिवाइस के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे, मतलब इनपुट डिवाइस का डिफिनेशन बतलाए थे, उसका क्या क्या काम है उसका, किस और अलग अलग इनपुट डिवाइस के बारे में बतलाए थे, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, टच पैड के बारे में, ये तीन इनपुट डिवाइस के बारे में पिछले क्लास में बतलाए थे। और आगे हम पढ़ेंगे और कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं और क्या उनका क्या उपयोग है, क्या नाम है, किस आधार पर वो अपना काम करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है लाइट पिन। यह क्या होता है? देखिए, यह जैसा कि आप पेन का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, ठीक उसी तरह यह लाइट पेन जो है यह भी इलेक्ट्रॉनिकली पेन होता है। इसमें एक लेजर लाइट निकलता है जिससे कि आप कुछ भी मॉनिटर पे लिख सकते हैं, आप मॉनिटर पे लिखते हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर करना अगर मॉनिटर है और यहाँ पे साइन सिग्नेचर लिखा हुआ है तो आप उस लाइट पेन की वजह से आप साइन कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर कुछ ड्रॉ है हाथ से ड्रॉ करना है मॉनिटर पे, मतलब जो है सो खींचना है कोई लाइन या कोई आकृति खींचना है तो आप उस लाइट पेन से आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह लाइट पेन का उपयोग हम ओनली CRT मॉनिटर पे कर सकते हैं, आप LCD या LED मॉनिटर पे इस लाइट पेन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, CRT मॉनिटर पे ही यह लाइट पेन का उपयोग होता है या इलेक्ट्रॉनिकली पेन होता है जिसका उपयोग आप सिग्नेचर करने या कोई चीज लिखने या ड्रॉ करने के लिए मॉनिटर पे डायरेक्टली करते हैं। लाइट पेन के बाद आता है जॉयस्टिक। आप वीडियो गेम खेले हो, वीडियो पार्लर में जाकर के आप वीडियो गेम खेलते हैं, तो वीडियो गेम को खेलते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे आपके मतलब जो है सो गाड़ी का जो है सो गियर का जो हैंड अथी होता है, गियर बॉक्स पे जो हैंड व्हील जैसा लगा था, कभी इधर मूव करना, इधर मूव करना, लेफ्ट राइट, मतलब जिस साइड आप मूव कीजिएगा उस साइड वह आपका माउस का पॉइंटर आपका मूव होगा, आपका पॉइंटर मूव होगा, वो जॉयस्टिक का काम है। और इसमें जो है सो एक ऊपर से बटन होता है जहाँ आप उसको सेलेक्ट करते हैं, कहते हैं जॉयस्टिक का काम है, मेन काम है जॉयस्टिक का वीडियो गेम खेलने में इसका उपयोग होता है, जॉयस्टिक का यूज जॉयस्टिक इन वीडियो पार्लर फॉर प्ले गेम वीडियो गेम। इसका मेन काम गेम खेलना होता है, वीडियो गेम खेलना होता है। इसके बाद स्कैनर, यह क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को, जो कि वह टेक्स्ट और इमेज किसी पेपर पे, मतलब क्या कोई कागज है कोई पेपर है, उस पेपर पे कोई भी टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है उस पेज पे, या फिर कोई उस पर पिक्चर बना हुआ है, कोई ड्राइंग है या कोई भी ऐसा इमेज है, उस इमेज को या टेक्स्ट को या क्या करता है स्कैनर, स्कैनर क्या करता है उसको रीड करता है और रीड करने के बाद यह सिस्टम को भेज देता है, हूबहू सेम या भेज देता है वह पेज स्कैन करके, और वह पेज आपके सिस्टम पे मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है, और इसको आप सेव करके आप इसमें एडिट कीजिए, इसमें कुछ सुधार कीजिए या फिर इसमें जो है सो कुछ ऐड कीजिए और फिर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। स्कैनर जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी फोटो से फोटो बनाने का काम होता है, तो क्या होता है इसमें स्कैन होता है, या फोटो जो आप देते हैं या फोटो, इसको स्कैनर रीड करता है, स्कैनर इस फोटो को रीड कर लेगा और रीड करने के बाद सेम टू सेम फोटो आपको इस मॉनिटर पे कंप्यूटर पे लोड हो जाएगा, और फिर आप इस फोटो को आप जो है सो इससे एक से कई फोटो बनवा लीजिए या फिर उसका कलर चेंज कर लीजिए, या फोटो पे कुछ एडिट करना है लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं, या कोई पेज है लेटर है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको कि आप स्कैन करके आप फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, तो यह स्कैनर
तीन तरह का होता है, फ्लैट ब्लेड स्कैनर कितना तरह का, तीन तरह का स्कैनर, फ्लैट ब्लेड, सीट फेड और हैंड फेड, ये तीन तरह का स्कैनर होता है। टाइप्स ऑफ स्कैनर में स्कैनर यह तीन तरह का हुआ, पहला फ्लैट ब्लेड, दूसरा सीट फेड, फ्लैट ब्लेड, सीट फेड और हैंड फेड, तीन तरह का स्कैनर होता है। फ्लैट फेड और सीट फेड में अंतर और हैंड फेड तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैट फेड में क्या होता है स्कैनर, या किस तरह का स्कैनर होता है, आप देखेंगे कि फोटो स्टेट जो होता है ठीक वैसा ही ग्लास होता है, शीशा होता है, इस शीशा पे आप कोई पेपर को रख दीजिए इस पे और ऊपर से कवर ढक, या फ्लैट इसमें क्या होगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं वह इस ग्लास के ऊपर रख देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं। जब यह स्कैन होगा तो यह आपका टोटल ईमेल इस सिस्टम को भेज देगा। तो यह हो गया फ्लैट। फ्लैट मीन्स क्या, समतल ग्लास है, ग्लास पे आपने डॉक्यूमेंट्स को रख दिया जिसको आपको स्कैन करना है और ऊपर से कवर रख दिया, यह हो गया फ्लैट स्कैन। दूसरा है सीट फेड। यह सीट फेड जो होता है आप देख रहे कि प्रिंटर में कि ऊपर से पेपर देते हैं और नीचे प्रिंट होके निकल जाता है, ऊपर से ब्लैंक खाली पेपर दिए और आपको क्या होता है प्रिंटर में प्रिंट होके नीचे निकल जाता है। तो सीट फेड जो स्कैनर होता है इसमें क्या होता है कि ठीक वैसा ही इसका बना हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि आप जिस डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करते हैं वह डॉक्यूमेंट सीट ऊपर से आप डालते हैं, जिस सीट पे आपका डॉक्यूमेंट जो जिस जिस जो डॉक्यूमेंट है उस सीट मतलब उस पेपर को आप ऊपर से डालेंगे, ऊपर से डालेंगे और उस पेपर के दोनों साइड, एक पेपर के दोनों साइड में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप जब ऊपर से पेपर डालेंगे तो नीचे से यह पेपर निकल जाएगा और इसी बीच में यह सिस्टम या स्कैनर क्या करेगा दोनों साइड प्रिंट कर देगा, या बहुत तेजी से काम करता है। सीट फेड स्कैनर का स्कैनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, हम समझते हैं कि एक सेकेंड में भी दो चार पेज को यह सीट फेड स्कैन कर लेता है, इतना स्पीड होता है सीट फेड का, वह भी दोनों साइड एक साथ दोनों साइड स्कैन करता है। तो यह हो गया सीट फेड स्कैनर। तीसरा हैंड हैंड स्कैनर होता क्या है कि आप तो देखे होंगे कि अल्ट्रासाउंड में जो कराने जाता है तो आपको देखते हैं क्या है? जिस बॉडी के जिस पार्ट को स्कैन करना होता है उस पार्ट पे हाथ से ले जाता है स्कैनर को और वहाँ जहाँ जहाँ वह टहलाता है वहाँ वहाँ का इमेज आपको सिस्टम में डिस्प्ले होता है। तो वह है हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसे कि आप हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या है कि आप ले गए किसी पेज के मूव किए और वह मूव जितना पार्ट पर आप मूव किए वह पार्ट आपका स्कैनर हो गया। तो यह हो गया मतलब हैंड हेल्ड स्कैनर। तो आपने हैंड स्कैनर के बारे में जाना, तीन तरह का स्कैनर फ्लैट फेड, सीट फेड और हैंड फेड, ये तीन तरह का स्कैनर होता है जिसका स्कैनर का काम क्या है, वर्क इट स्कैन्स एंड स्कैनर का वर्क क्या होगा, इट स्कैन्स द डॉक्यूमेंट एंड सेंड to system for editing work करने के लिए क्या करता है सिस्टम को यह भेजता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यह सिस्टम को भेजता है स्कैन। तो यह हो गया और editing और read for read and edit read and रीड एंड एडिटिंग, आप पढ़ने के लिए और एडिट करने के लिए यह स्कैनर काम करता है। स्कैनर काम या स्कैनर जब भी स्कैन करेगा किसी पेज को स्कैन करेगा, किसी सीट को स्कैन करेगा।
स्कैनर के बाद अगला इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? देखिए हम जो अभी आप फोटो खींचते हैं, फोटो आपका जो बनता है वो डिजिटली बनता है, डिजिटल इमेज होता है। उसमें क्या होता है कि फोटो खींचा और फोटो को किसी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, एक्सटर्नल मेमोरी में हुआ कैमरा स्टोर कर लेता है, और उस मेमोरी को आप क्या करते हैं निकाल करके सिस्टम से कनेक्ट करके आप उस इमेज को सिस्टम में डाल देते हैं, या फिर डायरेक्ट डिजिटल कैमरा को आप सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं तो भी वह मेमोरी हुआ जैसे इमेज आपके सिस्टम में क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। तो मेन डिजिटल कैमरा का क्या काम हो गया, इट कैप्चर द स्टिल इमेज, किसी क्या करता है किसी फोटो को या स्टिल इमेज को खींचता है, कैप्चर करता है, या फिर और क्या करता है उसको क्या करते हैं रिकॉर्ड करता है वीडियो, किसी वीडियो इमेज को रिकॉर्ड करता है या फिर किसी स्टिल इमेज को कैप्चर करता है। आप डिजिटल कैमरा से कोई वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर कोई स्टिल पिक्चर है, कोई तस्वीर है उसको भी खींचते हैं। तो इसका काम क्या है डिजिटल कैमरा का, पिक्चर खींचना और या फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना, और इसको रिकॉर्ड करने के बाद या हमको क्या करते हैं इसको ट्रांसफर करते हैं, जो रिकॉर्डेड फाइल है या पिक्चर का फाइल है जो हमने फोटो खींचा उसको हम क्या करते हैं ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कहाँ ट्रांसफर होता है, कनेक्ट करके सिस्टम हम अपने डिजिटल कैमरा को क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं किससे, सिस्टम से, कंप्यूटर से। सिस्टम मीन्स क्या, कंप्यूटर से, कंप्यूटर से हम कनेक्ट करके क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। किस चीज़ को ट्रांसफर करते हैं, जो फोटो हमने खींचा या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड किया उनको हम सिस्टम में ट्रांसफर करने का काम डिजिटल कैमरा से करते हैं। तो आपसे कोई पूछे डिजिटल कैमरा क्या होता है, तो डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू कैप्चर द स्टिल इमेज एंड रिकॉर्ड द वीडियो एंड ट्रांसफर टू द कंप्यूटर सिस्टम, इसका काम डिजिटल कैमरा। इसके बाद आता है अगला इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन। या टच स्क्रीन से सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, आपके घर में आपके पापा के पास मोबाइल है, मोबाइल जो है अगर है तो उसमें क्या है कि आप उंगली से काम करते हैं, टच स्क्रीन उंगली से काम करते हैं, उसका स्क्रीन जो है क्या है इनपुट डिवाइस। वह आप इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फिंगर, टच बाय फिंगर, आप जब अपने उंगली से अपने अंगूठा से उंगली से उसको आप टच करते हैं तो वह जो भी आप टच करते हैं वह इंफॉर्मेशन को वह रिसीव कर लेता है, वह टच स्क्रीन का काम है। यह क्या होता है टच स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर एक टच स्क्रीन लगा होता है। आप जब भी यार ध्यान रखिएगा कि आप जो कहते हैं कि हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन है या टच नहीं, स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन लगा होता है वह टच स्क्रीन होता है। आप जब टच स्क्रीन को ऊपर से हटा दीजिएगा फिर भी आपके अंदर एक स्क्रीन है जो सही सलामत होता है। आप मतलब क्या कि आपका मोबाइल जो टच स्क्रीन इनबिल्ट है, मतलब स्क्रीन के ऊपर टच स्क्रीन लगा हुआ होता है, ठीक, जो कि वह क्या करता है रिसीव करता है क्या चीज सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को, जो भी आप सिग्नल्स देते हैं, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वह टच स्क्रीन रिसीव कर सकता है या टच स्क्रीन। इसका उपयोग आप लोग जानते हैं कहाँ होता है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन भी टच स्क्रीन होता है, ATM में जाते हैं आप पैसा निकालने तो वहाँ भी टच स्क्रीन है, वेट मशीन है वहाँ भी टच स्क्रीन है, तो इन सभी जगहों पे टच स्क्रीन का उपयोग होता है। आप जनरली में आप अपने पापा के साथ जाएंगे ATM तो देखेंगे वहाँ टच स्क्रीन है, ठीक,
ठीक है, आपका मोबाइल है वो टच स्क्रीन है, बहुत सारे से है टच स्क्रीन। उसके आता है वेब कैमरा, ये क्या डिजिटल कैमरा आता है, तो आपने देखा कि मतलब फोटो खींचना और वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन वेब कैमरा है, वेब कैमरा होता है यह जो है इसका काम है कि लाइव टेलीकास्ट, यह लाइव टेलीकास्ट करता है। किस चीज का लाइव टेलीकास्ट करता है, तो किसी भी प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्ड करके उसका लाइव टेलीकास्ट करना वेब कैमरा का काम। मतलब क्या, कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा है उसको आपका वह क्या करेगा, वीडियो कैमरा वेब कैमरा उसका रिकॉर्डिंग करेगा, और रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ या आपको लाइव टेलीकास्ट किसी अन्य स्क्रीन पे साथ साथ उसको डिस्प्ले भी करता है, तो यह वेब कैमरा रिकॉर्ड। जैसे आप मैच देखते हैं किसी भी क्रिकेट मैच या कोई गेम होता है तो वहाँ क्या, या कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ वेब कैमरा लगा, क्या होता है वह मैच में कि आप मैच देख रहे हैं, वहाँ उस मैच का रिकॉर्डिंग हो रहा है, और रिकॉर्डिंग होने के साथ साथ आप अपने वो मैच हो रहा है अगर विदेश में इंग्लैंड में वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वहाँ वेब कैमरा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और उसी वेब कैमरा को क्या करता है कि लाइव, उसी के मदद से लाइव टेलीकास्ट करके आप अपने टेलीविजन से कनेक्ट करके उसको देखते हैं, या कोई उसे स्क्रीन जोड़ के कहीं अलग है उसे देखते हैं। वेब कैमरा काम है रिकॉर्ड एंड लाइव, इट्स रिकॉर्ड द वीडियो एंड डिस्प्ले लाइव टेलीकास्ट ऑन द मॉनिटर ऑन द स्क्रीन। तो आज हम इतना ही इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, दो चार इनपुट डिवाइस और बचे हुए हैं उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा लाइव पेन, लाइव स्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन और वेब कैमरा, इतना आपका इनपुट डिवाइस हो गया। होमवर्क में जितने भी इनपुट डिवाइस पढ़े हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, शॉर्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनपुट डिवाइसेस।